गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है मंगलवार। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ। बहुत कपड़े धोए थे कल, मैं अभी आपको दिखाऊँगी और व्यू भी शेयर करूँगी। व्यू भी बहुत अच्छा है और धूप निकलती है तब भी अच्छा होता है, धूप नहीं निकलती है तब भी व्यू बहुत ही अच्छा होता है। घर के सामने का व्यू मुझे बहुत पसंद है, आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। और चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन के बाद थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैंने सोचा कि व्लॉग क्यों ना बना लिया जाए, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग वेट कर रहे हैं व्लॉग की। तो कुछ दिन व्लॉगिंग नहीं हुई है, बातें ही हुई हैं, उनके लिए सॉरी, लेकिन बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं इसीलिए आपसे की। और आपको अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आपको डिसलाइक कौन देता है। जी हाँ, आपको पता चल सकता है कि आपको डिसलाइक कौन कर रहा है, क्योंकि मुझे पता चल गया है मुझे कौन डिसलाइक कर रहा है। तो चलिए, अगर पता चल ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए कि कोई डिसलाइक कर रहा है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इससे आप ही को फ़ायदा होता है डिसलाइक से। मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि डिसलाइक आपको कौन कर रहा है। और चलिए स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा व्लॉग। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कल कितने कपड़े धोए हैं रात को, और रात को ही बाहर डाल दिए थे। चलिए ये देखिए, ये पूरी तार लदी हुई है ना, और ये है कर्टन्स। देखिए सेल सेल सेल, ये है कपड़ों की सेल। देखा आपने कितने सारे कपड़े धोए हैं, 1 2 3 4 बहुत बड़ी बड़ी 4 वायर्स भरी हुई हैं। एक तो पाइप के ऊपर ही डाले हुए हैं मैंने कपड़े, वहाँ पे कर्टन्स डाल दिए, बाकी 3 वायर्स भरी हुई हैं। इतने कपड़े हो गए थे क्योंकि मेरे दांत की, आपको बताया था मेरे अक्ल दांत में जो प्रॉब्लम थी ना, उसकी वजह से मैं कपड़े भी नहीं धो पाई हूँ, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। और रात को मैं बर्तन करके सोती हूँ और मैं बर्तन भी नहीं कर पाई थी, 3-4 दिन तो मैंने रात को बर्तन ही नहीं किए। सुबह उठ के किचन में जाओ ना तो बर्तन नहीं होते हैं, साफ़ सफाई होती है, सिंक बिल्कुल साफ़ होता है, ज़मीन बिल्कुल साफ़ होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है किचन साफ़ देख के, क्योंकि सबसे पहले मुझे किचन में जाना होता है सुबह और अपना धनिया उबालने को रखना होता है, फिर दूध के लिए बर्तन निकालना होता है और गाय के लिए रोटी बनानी होती है। ये 3 काम मेरे बहुत ज़रूरी होते हैं सुबह, जो मुझे पहले करने होते हैं, उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कुरकेज वाला वीडियो आपको पसंद आया हो। और मैंने मार्केट में देखा है कुरकेज, 2 बार ट्राई भी किए हैं, खाए हैं, मतलब मेरी बेटी खाती है इसलिए। मैदा तो बहुत हानिकारक होता है, आप भी घर में नूडल्स, मैगी या मैदे की कोई भी चीज़ बनाएं तो उसको हेल्दी बनाएं, वेजिटेबल्स डाल दें और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो डाल दें, सब्ज़ी होगी, गाजर मटर आलू डाल दें, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब भी मैदा खाएं तो उसमें सब्ज़ियाँ डालकर ही खाएं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आज के माहौल में तो आपको इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, तो खुद का बहुत ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, पहले मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ। ओके, दिव्यांका की क्लास चल रही है, वो बैठी है यहाँ पर बिना ब्रश किए, अभी उठी और क्लास में लग गई। आजकल के बच्चे जस्ट उठो और क्लास में घुस जाओ बिना ब्रश किए। हमारे टाइम में नहा धो के घर का 2-3 घंटे का काम करने के बाद हम स्कूल जाते थे, वो भी पैदल 2-3 किलोमीटर। हेलो, गुस्सा आ रहा है इसको, इसके पापा की तरह गुस्सा आता है इसको। नींद आ रही है, ओ मेरी बेटी को नींद आ रही है, वीडियो में बने रहिएगा। ये है मेरी बुटीक, ये बनाने की थी सब्जी, ये बनाने पड़ेगी।
से भून लेते हैं थोड़ी देर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरी सब्जी क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली ना पतिदेव टिंडे की सब्जी नहीं खाते, ये हरी भरी सब्जियाँ हम ही खाते हैं, तो टिंडे की सब्जी नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने आलू 3 उबाले और उसकी सब्जी बना रही हूँ। अभी थोड़ा सा भून लेती हूँ आलू को, उसके बाद उसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊँगी, क्योंकि सूखी सब्जी तो खाते ही नहीं है। चलिए इसको निपटाते हैं, फिर चाय पियेंगे आराम से बैठ के। अब काटते हैं थोड़ा सा भूंगे, इसकी आंच कर देते हैं। इसको थोड़ा सा भू लेते हैं। अब हम इसे 7-8 मिनट पकाएंगे हल्की आंच पर, ढक के इसको ढक देंगे। और ये तकरीबन 9 मिनट के बाद कंप्लीट हो गई है ये।